हेलो प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्राथमिक स्तर पर मानसिक योग्यता विषय में क्रम व्यवस्था परीक्षण के बारे में जानेंगे। तो आइए शीट क्रमांक 25/23 के साथ आगे बढ़ते हैं। क्रम व्यवस्था परीक्षण, बच्चों आज हम क्रम व्यवस्था परीक्षण के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि क्रम व्यवस्था परीक्षण है क्या। जब भी कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह में से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उनके गुण, आकार, स्थिति इत्यादि के सापेक्ष तुलना करते हुए सार्थक क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही क्रम व्यवस्थीकरण कहा जाता है। तो इसे, यह तो उसकी परिभाषा हो गई, और इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न मिलेगा उस प्रश्न में या तो व्यक्ति के ऊपर आधारित होगा, या वस्तु के ऊपर आधारित होगा, या किसी स्थान के ऊपर आधारित होगा। वह या तो व्यक्तियों का समूह होगा, या स्थान का होगा, या वस्तुओं का होगा। तो उसमें आपको एक से अधिक वो चीजें मिलेंगी, और आपको उसके गुण, आकार, स्थिति के आधार पर, जैसे कि कोई भी कंडीशन आपको दिया रहेगा, उसके गुण है, आकार है, स्थिति है, तो आपको ये उस प्रश्न में मिलेगा कि आपको उसे व्यवस्थित करना है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो या तो वह आरोही क्रम में होगा या वह अवरोही क्रम में होगा। तो इसी को हम क्रम व्यवस्था परीक्षण, जब हम उसको उस कंडीशन के आधार पे जो भी उसने दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जब हम उसे व्यवस्थित कर देंगे, तो यह हमारा जो क्रम व्यवस्था परीक्षण है वह पूर्ण होगा। क्रम व्यवस्था परीक्षण में जो हमारा पहला प्रकार है वह है स्थान क्रम व्यवस्थित करना। तो आप इसके अंतर्गत स्थान क्रम व्यवस्थित में जो आपको प्रश्न मिलेगा वो आपको पंक्तिबद्ध व्यक्तियों या सूचीबद्ध नामों पर आधारित होगा। तो इसके लिए कुछ आपके रूल्स हैं यहाँ पे। जैसे पहला है कि अगर आपसे प्रश्न में यह पूछा जाता है कि किसी कक्षा अथवा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, अगर प्रश्न में आपको यह पूछा जाता है कि किसी कक्षा या पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी जाती है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है आपको ये फॉलो करना है कि किसी एक व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान, आपको एक व्यक्ति या बाएं से ऊपर का स्थान उसमें आपको प्लस करना है उसी व्यक्ति का दाएं या नीचे से स्थान, और उसमें से आपको एक हटा देना है। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी कक्षा अथवा पंक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। दूसरा है कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा ऊपर से स्थान, अगर यह आपसे पूछा जाता है कि किसी प्रश्न में कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं अथवा ऊपर से स्थान क्या है, तो आप पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या उसमें से आपको घटाना है उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या ऊपर से स्थान, और उसमें आपको एक जोड़ देना है। आपको करना है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या में से घटाना है उसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या ऊपर से स्थान, और उसमें आपको एक जोड़ देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वह, जब आपको प्रश्न मिलेगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति में नहीं, किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान आपको पूछेगा, तो आप पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या जितनी होगी उसमें से आपको उस व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से जो उसका स्थान होगा वो मेंशन होगा, आपको उसे घटा देना है और उसमें एक को जोड़ देना है। अगर आपको प्रश्न में पूछता है कि किसी व्यक्ति का पंक्ति में बाएं अथवा ऊपर से स्थान क्या होगा, तो आप उसे पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या होगी उसमें से आपको उस व्यक्ति का पंक्ति में बाएं या नीचे से स्थान को घटा देना है, और उसमें आपको
एक जोड़ देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। हमारा जो चौथा फॉर्मूला है वह है, यदि दोनों दिशाओं में से विभिन्न स्थानों के मान दिए गए हैं, दोनों दिशाओं से विभिन्न स्थानों के मान अगर आपको मिले हैं और उन दोनों के मध्य के स्थान का मान आपको वह भी दिया गया हो, तो उस समय आपके पास दो संभावनाएं बन जाती हैं। पहली जो संभावना है, आपको अधिकतम संख्या जब निकालनी है तो आपको दोनों संख्याओं का योग प्लस मध्य की संख्या को जोड़ देना है, तो यह आपका मिल जाता है। और बी जो है, न्यूनतम संख्या जो है वह दोनों संख्याओं के योग में से जब आप मध्य की संख्या को घटा देते हैं और उसमें से फिर से दो घटा देते हैं तो आपका यह न्यूनतम संख्या मिल जाता है ज्ञात हो। आशा है आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, इसे हल करने का प्रयास करें। और पिछले शीट का आंसर भी है, इसे अपने अगर आपने हल किया है पिछले शीट को तो उस आंसर से इस आंसर से मिलान कर लें। फिर मिलते हैं।